नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल सिख वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठ का बार बार पर्दाफाश करने के कारण केजरीवाल इतने भयभीत हो गए हैं कि निचले स्तर की राजनीतिक बदले पर उतर आए हैं। दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के तथा दल के प्रधान महासचिव हरमीत सिंह कालका ने सभी आरोप पार्टी दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केजरीवाल के खिलाफ लगाए। जीके ने बताया कि दिल्ली कमेटी ने पिछले 22 महीनों के केजरीवाल राज के दौरान सिख मसलों पर उनकी कथनी तथा करनी के अंतर को कौम के व्यापक हितों के मद्देनजर उजागर किया था, जिसकी खींच मिटाने के लिए केजरीवाल ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। अब दिल्ली सरकार गैरकानूनी तरीके से श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली कमेटी चुनाव लड़ने की मान्यता खत्म करने पर उतर आई है। इस संबंध में दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के कार्यालय प्रमुख जोगिंदर सिंह द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अकाली दल का पंजीकरण सोसाइटी एक्ट के तहत कागजात प्रस्तुत करने के लिए जीके को भेजे गए पत्र की प्रति भी दिखाई। आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी बुखला चुकी है दिल्ली अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के काम देख के। आम आदमी पार्टी ने 70,000 वोट कैंसिल किए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो फोटोएं लगानी थी वो फोटोएं नहीं लगाई। आम आदमी पार्टी को जो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी इलेक्शन की तैयारी की, कोर्ट में एफिडेविट दिया, फंसे हुए हैं, डेट पे करानी पड़ेगी, और जो हमने इल्ज़ाम लगाए वो साबित हुए, आज कोर्ट में गए हैं कि हमारे को एक महीने की एक्सटेंशन दी जाए। नंबर वन, जब इन्होंने देख लिया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने और श्रोमणी अकाली दल ने इनका हर एक झूठ का पर्दाफाश किया है, चाहे SIT की बात हो, चाहे बात हो दिल्ली में 402 लोग ड्रग अब्यूज से मरे हों, चाहे 5 लाख रुपए की कंपनसेशन की बात हो, चाहे बात हो पंजाबी लैंग्वेज की हो, स्कूलों के अंदर पंजाबी टीचरों की हो, हर एक इशू के ऊपर बाबा बंदा सिंह बहादुर के बुत की हो, हर एक इशू पे हमने एक्सपोज किया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने, जैसे मैंने बोला, पहले वोटें काटने की बात करी, फिर उन्होंने फोटोएं पूरी नहीं लगाई और वोटें भी ऐसे तरीके काटी कि जिसका पॉलिटिकल एंगल देख के अकाली दल को नुकसान हो। आज आखिरी हथकंडा उन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने मंसूबा बनाया है, उन्होंने रास्ता निकाला है कि अकाली दल की सदस्यता, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जाए कोई ना कोई रास्ता निकाल के। उसका हमने उनको जवाब भी दे दिया है कि 2012 में 20-12 को शिकदर साहब जो जज थे, दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में माना कि ये पुरानी पार्टी हैं, ये इनकी से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल हो सकती। 1999 का दिल्ली सरकार का गजट हमने दे दिया जिसके अंदर अकाली दल बादल की बाल्टी चुनाव निशान है। मैं समझता हूँ कि ये बखलाहट में फैसले कर रहे हैं, ये जो मर्जी कर लें। अकाली दल पूरे जोर के साथ आएगा, पंजाब की तो बात छोड़ें, दिल्ली में इनको ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। श्रोमणी अकाली दल वो पार्टी है जो 96 साल पुरानी कांग्रेस के बाद की नंबर दो पार्टी है। 500 लोगों की शहादत के बाद ये पार्टी बनी थी, बहुत जद्दोजहद के लिए बहुत शहादतें हुई हैं। इस पार्टी के साथ ऐसा बद्दा मजाक कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा ख्याल है जी आप पार्टी है केजरीवाल नू इतिहास का पता ही नहीं है। इतिहास में उन्होंने ना देखा, ना सुनया, ना पढ़िया। 1920 की पार्टी नू कह रहे जी रजिस्ट्रेशन दिखाओ। 1920 रजिस्ट्रेशन जी होंगी है वो इस वेले कित्थे होएगी, ये एक मसला है। मैं समझदा हाँ कि ये सिवाय इस दे कि कोई ना कोई पंगा खड़ा किया जाए ताकि अकाली दल नू इत्थे इलेक्शन दे विच गड़बड़ की जाए। दिल्ली गजट दे विच श्रोमणी अकाली दल बादल रजिस्टर हो चुका है, उन्हों सिंबल अलाट हो चुका है। हुण पार्टी दी रहन नू चैलेंज किया जा रहा है, ये एक किस्म की बुखलाहट है। ये पूरा मामला जड़ा है गया आम आदमी पार्टी की बुखलाहट है। इन्हों पता है अकाली दल जड़ा है दिल्ली के अंदर सिखा की सब तो सरमोर जथेबंदी है,
और आने वाले इलेक्शन मेरा ख्याल इन्होंने कोई सर्वे करा लिया जिद अकाली दल में बहुत ही ज़्यादा बहुमत मिल रहा है। इसकी बुखलाहट ये काम कर रहे हैं कि 1920 की पार्टी 96 साल पुरानी का जरा रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहते हैं और जरा कि 99 के अंदर दिल्ली सरकार के गजट साडा सिंबल है बकट बाल्टी का और 2012 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जी जजमेंट आई है वो जज साहब ने लिखा है कि ये जी इन बाल्टी और सरना अकाली दल का कार और एक होर अकाली दल की जरा सी उन्होंने तिना 2012 जज साहब ने क्लीयर किया। ये मेरे हिसाब न बिल्कुल ही अज नवी गल हुई है हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने रिट फाइल की है कि इलैक्शन जी है 4 हफ्ते अगे वधाई जाए। मेरे हिसाब से इलैक्शन बिल्कुल टाइम सिर होनी चाहिए है ये हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए।